अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जरीन। आप देख रहे हैं जरीन किचन। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन 65। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर और 2 टीस्पून चिकन 65 का मसाला जो रेडीमेड मिलता है ये लिया है, रेड फूड कलर, 3 टेबलस्पून जितना दही, 3 टेबलस्पून चावल का आटा और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। चलिए बनाते हैं। चिकन में डाल देंगे सारे मसाले। प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, रेडीमेड चिकन 65 मसाला, रेड चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, दही। इसमें डाल देंगे फूड कलर, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे ढककर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। गैस पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे चिकन के पीसेस, जितने पैन में आ जाए उतने ही इसमें डालेंगे और 4 से 5 मिनट तक एक साइड से इन्हें फ्राई कर लेंगे। फिर इन्हें पलट कर दूसरे साइड से भी 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इन्हें एक साइड से पकते हुए। अब इन्हें पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। अब लगाएंगे इसका एक तड़का। उसी पैन में मैंने 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल दिया है। उसमें डाल देंगे राई। राई को हल्का सा पकने देंगे। ये देखिए राई अच्छे से पक गई है। इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ 1/2 टीस्पून लहसुन और कुछ कड़ी पत्ते। हल्का से हमें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए लहसुन और कड़ी पत्ता डालकर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे चिकन। अच्छे से मिक्स करेंगे। तड़का लगाना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन इस तड़के से चिकन 65 का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस को ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। ये लीजिए बहुत ही टेस्टी चिकन 65 बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।